Welcome back to my channel. This is Pragati and I am back with a new video. So as you all know, NEET exam ho chuke hai and exam ke baad approximately aapko pata hoga ki aap approximately kitna score karoge. You have given your papers and kuch dinon mein answer sheets bhi aa jayenge. So you will get to know that is answer key aa jayenge and you will get to know ki aapka approximate marks kitne honge. So don't worry, even if you don't clear your NEET in India, you still have the option of MBBS abroad. MBBS abroad आना is not a big deal. There are many students जो abroad आते हैं MBBS करके India भी वापस जाते हैं, या बहुत सारे students होते हैं जो अलग अलग countries like USA, UK, इन सब countries में वहाँ की exams देके वहाँ PG करने जाते हैं. So there are some well known universities in Russia, for example Perm State University, Orenburg State University, Mari State University, Samara State University, Kemerovo State Medical University, etc. etc. So there are many countless numerous universities in Russia. So आज मैं आई हूँ यहाँ पे, that is in this video I'm going to tell you about Perm State Medical University. So Perm State Medical University ये बहुत well known university है. ये university बहुत old university है. It was founded in the year 1916. So ये university located है in the city Perm. ये Perm usually Russia में ऐसे होता है कि जो भी universities होती है वो जिस city में होता है उस city के नाम पे ही university का नाम होता है. For example Samara city में Samara University है, Kemerovo सिटी में Kemerovo स्टेट यूनिवर्सिटी है, या आप देखोगे Perm सिटी में Perm स्टेट यूनिवर्सिटी है. एंड रशिया की ये बात है कि यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नहीं है. जैसे कि मैंने कहा कि सिटी के नाम पे ही यूनिवर्सिटी का नाम दिया जाता है. सो देयर इज अ सिंगल सिटी विद द नेम एंड देयर इज अ सिंगल यूनिवर्सिटी ऑन दैट नेम. सो यहाँ कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी का झंझट ही नहीं है. एवरीथिंग इज गवर्नमेंट अंडर गवर्नमेंट. सो जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज होंगे सारा आपको जनरल मेडिसिन के अलावा यहाँ डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, नर्सिंग इन सब की भी पढ़ाई होती है. तो ये सब भी इन सब का डिपार्टमेंट आपको एक ही यूनिवर्सिटी में मिलेगा. So this is a really old university, Perm State Medical University. इसका abbreviation है PSMU, Perm State Medical University. या फिर जैसे रशियन में ऐसा होता है स्टेट को गसुदारस्त्वनी बोलते हैं. So that would be PGMU. आप रशिया आओगे तो आपको यहीं लिखा हुआ मिलेगा PGMU. या फिर जैसे Kemerovo State University है KEMGU, that is KEMGU. So this is how it's abbreviated into. And this is a really old university, 1916 में फाउंड हुआ था. बट इन 1932 यहाँ पे मेडिकल फैकल्टी ओपन हुआ था, दैट इज जनरल मेडिसिन की पढ़ाई स्टार्ट हुई. एंड आफ्टर फ्यू इयर्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आने लगे, जैसे कि इंडियंस. देयर आर मेनी इंडियंस जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं. यहाँ की एफएमजी पासिंग रेट भी बहुत अच्छी है. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, देयर आर न्यूमरस डिपार्टमेंट्स, न्यूमरस फैकल्टीज. सो इट्स अ रियली बिग यूनिवर्सिटी. कुछ लोगों का ऐसे होता है कि लाइक रशिया में टीचर्स को या प्रोफेसर्स को एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर वहाँ पर डमी पे पढ़ाया जाता है. It's nothing like that. These are all myths and lies about MBBS in Russia. जैसे कि आपको पता है कि रशिया is a really big country. यहाँ पे भी बहुत टाइम से पढ़ाई होती आ रही है. यहाँ के लोग जो लोकल लोग होते हैं वो रशियन में पढ़ते हैं, बट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होती है. सो वैन यू कम फ्रॉम इंडिया यू आर ऑल्सो एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हीयर. सो नो मैटर विच यूनिवर्सिटी यू गो आपकी पढ़ाई इंग्लिश में ही होगी, बट आपको रशियन लैंग्वेज सीखना बहुत कंपल्सरी है क्योंकि यहाँ के लोकल्स को इंग्लिश नहीं आती. इट्स लाइक यहाँ के लोगों के लिए इनका लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक दे ओनली स्पीक रशियन एवरीवेयर, नो मैटर वेयर यू गो, लाइक विच एवर पार्ट ऑफ रशिया. सो यहाँ इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है. सो व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल्स, इंटर्नशिप्स हो जाए, प्रैक्टिसेस हो जाए, उस टाइम आपको अगर पेशेंट से कम्युनिकेट करना है तो रशियन लैंग्वेज आना जरूरी है. एंड Perm State University यहाँ पे भी आपको रशियन लैंग्वेज सिखाया जाएगा. रशियन लैंग्वेज आपके करिकुलम में इंक्लूडेड है फ्रॉम फर्स्ट ईयर. आपको बेसिक अल्फाबेट से लेके सब कुछ सिखाया जाएगा. सो आपको स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है. सो धीरे धीरे यू विल स्टे हियर, यू विल स्टार्ट लर्निंग ऑल दैट. एंड टॉकिंग अबाउट द रेक्टर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी की रेक्टर है नतालिया वतेलिवना. शी इज अ डॉक्टर ऑफ मेडिकल साइंस. So now talking about ranking, according to the Forbes ranking, PSMU, that is Perm State Medical University की ranking थी 82, that it was ranked 82nd in all over Russia. So that's a really good rank. It's a well-known university, like I told. इस यूनिवर्सिटी में टोटल 7 डिपार्टमेंट्स है, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग. सो लाइक आई सेड इसमें और भी डिपार्टमेंट्स है एंड इनमें से एक डिपार्टमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट, दैट इज मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहाँ पे आपकी जनरल मेडिसिन की पढ़ाई होगी. देर आर मेनी इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग हियर.
There are approximately 18,000 students studying in Perm State Medical University. So there are students also from countries like Egypt, India, Tajikistan, जो यहाँ के nearby countries है. ऐसे बहुत सारे countries से यहाँ students आते हैं. Indians भी बहुत सारे हैं. And talking about hostels, hostel में आपको सारी facility मिल जाएगी. 2-bedroom वाला room या 3-bedroom वाला room, आपको Indian mess मिल जाएगा. यहाँ जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे Indian students हैं, तो Indian mess is a common thing. Like Indians के लिए इंडियन खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आपको इंडियन मेस की भी कोई टेंशन नहीं लेनी. एंड टॉकिंग अबाउट एडमिशन, अगर आपको पर्म स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी. आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल द टाइम. आपको कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन और टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप. सो आपको नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. देयर विल बी मोर वीडियोज कमिंग सून, सो स्टे ट्यून. थैंक यू.